बार एक आम के पेड़ पर एक ऐसा आम लगा जो बिल्कुल अलग था। वह आम रसीला और चमकदार था। वह आम सोच भी सकता था और बोल भी सकता था। एक दिन आम ने सोचा, क्यों ना गांव के आसपास घूमने जाया जाए, मजे किए जाए, सभी मुझे देखकर हैरान हो जाएंगे। वह आम के पेड़ से नीचे उतरा और लुढ़कता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक खरगोश मिला। अरे रुको, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तुम मुझे नहीं खा सकते, मैं तो जादू का आम हूँ। मैं आगे आगे भागूंगा, तुम कैसे मुझको खाओगे? यह बोलकर आम तेजी से लुढ़कता हुआ दौड़ने लगा। खरगोश भी उसके पीछे पीछे तेज भागने लगा। भागते भागते खरगोश बोला, आम, मैं तेज दौड़ने में माहिर हूँ, मैं तो तुम्हें पकड़कर जरूर खाऊंगा। हाँ हाँ, देख लो, तुम जितना तेजी से दौड़ रहे हो उससे ज्यादा तेज तो मैं दौड़ रहा हूँ। दौड़ते दौड़ते खरगोश थक गया और वह वापस अपनी मान में चला गया। तभी एक छोटे लड़के ने आम को देखा। मैं तुम्हें पकड़कर खाऊंगा। तुम मुझे नहीं खा सकते, मैं तो जादू का आम हूँ। मैं आगे आगे भागूंगा, तुम कैसे मुझको खाओगे? आम तेजी से दौड़ने लगा और उसके पीछे छोटा लड़का दौड़ने लगा। तभी एक औरत आई और बोली, कितना स्वादिष्ट आम है, मैं अब इसे पकड़कर खाऊंगी। तुम मुझे नहीं खा सकते, मैं तो जादू का आम हूँ। मैं आगे आगे भागूंगा, तुम कैसे मुझको खाओगे? तभी एक शिकारी आया और बोला, मैं भी इस आम को खाना चाहता हूँ। तुम मुझे नहीं खा सकते, मैं तो जादू का आम हूँ। मैं आगे आगे भागूंगा, तुम कैसे मुझको खाओगे? आम आगे आगे भागने लगा और उसके पीछे लड़का और उसके पीछे औरत और औरत के पीछे शिकारी। तभी आम दौड़ते दौड़ते थक गया। मैं घास में छिप जाता हूँ, कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। आम वहीं पर सो गया। लड़का, औरत और शिकारी उसे ढूंढते हुए थक गए और वापस अपने अपने घर चले गए। आम वहीं पर कुछ दिन तक पड़ा रहा और एक दिन वो सूख के सड़ गया और उसमें कीड़े भी लग गए। अब वो सोचने लगा, काश मैं किसी का स्वादिष्ट भोजन होता, आज मेरे घमंड ने मुझे नष्ट कर दिया। अब वो किसी के खाने के लायक नहीं रहा। वह मन ही मन बहुत ही पछताया। अपनी जादुई शक्तियों के घमंड के कारण वो वहीं नष्ट हो गया। अपनी सुंदरता का घमंड करना बुरी बात है।